फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका मूनलाइट। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें कमेंट में ये पूछा था कि हम सीजन डिलीवरी के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप कब बना सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं आज वीडियो लेके आई हूँ कि नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में होते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने डॉक्टर से ये बात पूछने में हिचकिचाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद आप फिजिकल रिलेशनशिप कब बना सकते हैं और कब नहीं। सो वीडियो की स्टार्टिंग करूँ उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डिलीवरी के बाद आप फिजिकल रिलेशनशिप कब बना सकते हैं। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है, आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। कई बार डॉक्टर आपको तब बताती हैं जब आप मंथली चेकअप के लिए जाते हो, यानी कि डिलीवरी को 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जाते हो। तो कुछ डॉक्टर तो अपने आप बता देती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है आप लोग को डॉक्टर से खुद पूछना पड़ता है। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर से इस बारे में बात करने में एम्बेरसिंग सा फील करते हैं, यानी कि उनको शर्म सी आती है पूछने में। ऐसा लगता है कि अगर हम डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो कई बार ऐसा होता है लोग आपस में ही एक दूसरे से पूछने लगते हैं, अपने फ्रेंड से पूछने लगते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। इसलिए मैं आज आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ कि डिलीवरी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप कब बनाना चाहिए और कब नहीं, और साथ साथ में ये भी बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप बनाना कितना डेंजरस भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है? सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप फिजिकल रिलेशनशिप 1.5 मंथ बाद इजीली बना सकते हैं, लेकिन तब बना सकते हैं जब आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो टाके लगते हैं नीचे की तरफ, जब आपके टाके पूरी तरह से सूख के झड़ जाएं और आपको चलने में, उठने में, बैठने में, या जब आप वॉशरूम जाते हो उस टाइम जाते हुए आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, तभी आप नॉर्मल डिलीवरी में फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हो, ठीक है? और साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको चलने में, बैठने में या वॉशरूम जाने में दिक्कत हो रही है तो उस टाइम आप फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकते। अगर ऐसे में आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाओगे तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इंटरनल घाव हो सकता है, इसे इंटरनल इन्फेक्शन भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दूसरी बात, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। किसी के स्टिचेस जल्दी ठीक हो जाते हैं, किसी के स्टिचेस 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, किसी के स्टिचेस पूरा 1 महीना लेते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी, आपके स्टिचेस अगर जल्दी भी ठीक हो गए, बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे स्टिचेस तो बहुत जल्दी ठीक हो गए और हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, हम तो अच्छे से चल रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, हमें तो लग ही नहीं रहा है हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता ही नहीं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो मैं उनको भी ये सलाह देना चाहूँगी, अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं तो एटलीस्ट 1.5 मंथ के बाद ही बनाइए, क्योंकि आपको अपने बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और नीचे की तरफ घाव होने के भी चांसेस होते हैं। तो जल्दीबाजी में ये सारे रिस्क ना लें तो ज़्यादा ही बेटर है, ठीक है? आपको बताने जा रही हूँ सीजन डिलीवरी की। सीजन डिलीवरी के जो टाके होते हैं वो पेट पे लगते हैं और उसके टाके जल्दी से सही नहीं होते। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सीजन डिलीवरी में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए एटलीस्ट आपको 1 ईयर का वेट करना पड़ता है, बट मैं आपको बोलना चाहूँगी ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं 6 मंथ का वेट करना पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी टाइप। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, आपको अभी भी दिक्कत हो रही है, तो आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। नॉर्मली सीजन डिलीवरी में जब आपके टाके कट जाते हैं उसके बाद, जब आपको चलने फिरने में, बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप पूरा घर का काम संभाल सकते हो, आप किचन का काम संभाल सकते हो, उसके बाद आप फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हो। सीजन डिलीवरी में एटलीस्ट 3 मंथ के बाद ही आप फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हो। 3 मंथ से पहले अगर आपने जल्दीबाजी की तो सीजन डिलीवरी के जो टाके हैं, ऊपर के टाके तो कट गए, लेकिन
अंदर के जो टाके हैं, अंदरूनी टाके हैं, अंदरूनी भी बहुत ज़्यादा टाके आते हैं, उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो टाके फटने का डर रहता है, स्टिचेस खुलने का डर रहता है, और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग या पस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सीजन डिलीवरी के बाद एटलीस्ट 3 मंथ बाद आप फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं। 3 मंथ बाद वही लोग बना सकते हैं जिनको लगता है कि वो पूरी तरह ठीक है, अब उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, 3 मंथ के बाद भी उनको कमजोरी सी फील होती है, और जहाँ सीजन डिलीवरी के टाके लगे हैं वहाँ पे पेन होता है। बहुत से लोगों को पेन होता है, काफ़ी टाइम बाद पेन जाता है। अगर आप उन कैटेगरी में से है कि जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, काम भी करने में दिक्कत हो रही है, और जहाँ टाके हैं वहाँ पे पेन हो रहा है, तो फिजिकल रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तब आपको एटलीस्ट 6 मंथ का वेट करना ही पड़ेगा। क्या लेकिन अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके स्टिचेस अंदर से खुल सकते हैं, और अगर एक बार आपके स्टिचेस अंदर से खुल गए तो दोबारा से ऑपरेशन होता है। डॉक्टर दोबारा से पेट कट करके ऑपरेशन करती है, और जो टाके खुले हैं ना उसको सिलती है। अब आप खुद सोचिए, जो अंदर के टाके खुल गए हैं या टूट गए हैं तो उसको तो पेट कट करके फिर से ही ठीक करना पड़ेगा ना। तो आप क्या दोबारा ऑपरेशन करवाना चाहोगे? नहीं करवाना चाहोगे ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अभी भी वीक हो और आपके टाकों में पेन हो रहा है, तो 6 मंथ का वेट करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर का काम अच्छे से संभाल रहे हो, सब अपने बेबी को अच्छे से संभाल रहे हो, आपको हेल्प की जरूरत नहीं है, आप पता लग रहा है कि आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, तो 3 मंथ बाद आप फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, जब आप डॉक्टर के पास चेकअप करने में जाते हो तो आप अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात कर सकते हो। कोई शर्म की बात नहीं होती, आज के टाइम में कोई शर्म की बात नहीं है, सब पूछते हैं, तो आप क्यों नहीं पूछ सकते हो? ये मत सोचिए कि डॉक्टर आपके बारे में क्या सोचेंगे, अगर इतना सब सोचने लग गए तब तो फिर हो गया। आप खुल के अपने डॉक्टर से बात करिए, उनसे पूछिए, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।